नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका एग्री कियान। आज हम बायो पावर के बारे में बात करेंगे। आज हम पूरे तरीके से इसका वीडियो दिखाएंगे, इसका प्रयोग बताएंगे और हमारे चैनल में लास्ट तक बने रहें। अभी तक एग्री कियान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले किसान भाइयों। किसान भाइयों का प्यार हमें इस मुकाम तक पहुंचा दिया, सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। हमारी अगली वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट भी रहेगा। बात कर लेते हैं बायो पावर के बारे में। बायो पावर को दिखाने से पहले हम हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं। हमने ग्लव्स पहन चुका है और ये देख सकते हैं आप, बायो पावर हम दिखा रहे हैं हमारे प्यारे किसान भाइयों। इसका प्रयोग बहुत सालों से कर रहे हैं, बहुत शानदार रिजल्ट होता है और यह पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खाद होता है। इसको आप घर के गार्डनिंग के लिए बहुत ही अच्छा उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह एक ऑर्गेनिक खाद है। हमारे प्यारे किसान भाई इसे बड़े लेवल में भी यूज करते हैं। इसका सब्जियों में रिजल्ट बहुत अच्छा देखा गया है और सभी प्रकार के फसलों में इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। आपके फसलों के ग्रोथ बढ़ाने के लिए काम करता है, जैसे कि धान के फसल में पल्लों की संख्या अधिक करना, धान में मुजार ज्यादा बनाना और बालियां लंबी करना, धानों का वजन बढ़ाना, यह सभी प्रकार का काम करता है। इसका प्रयोग आप गुड़ाई के समय कर सकते हैं। सब्जी वाले फसल में धान में पहली यूरिया के साथ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। मूंगफली, अरहर, मूंग, उड़द, मक्का, सोयाबीन, सभी प्रकार के फसलों में बायो पावर का प्रयोग किया जा सकता है और आपको उत्पादन बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। यह दानेदार फॉर्म में रहता है, को हाथ में उठाकर हम दिखा ही रहे हैं कि यह दानेदार फॉर्म में होता है और इसका यह पूरे तरीके से ऑर्गेनिक होता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है आपके फसल में। अगर एक एकड़ के डोज की बात कर लें, 10 केजी प्रति एकड़ के दर से लगता है। हमारे प्यारे किसान भाइयों को कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की परेशानी हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको हर प्रकार से सुझाव देंगे। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद किसान भाइयों।